और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है विपक्ष के पीएम चेहरे को लेकर। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा बयान सामने आया है। शशि थरूर का ये कहना है कि आने वाले आम चुनाव के बाद कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ही चेहरा होंगे। ये बहुत बड़ा बयान दिया गया है शशि थरूर की तरफ से। The leaders of those parties will have to get together and pick someone. But my guess is from the Congress party it's going to be either Mr. Kharge, who will then be the first Dalit Prime Minister of India, or Rahul Gandhi, since in very many ways it's a family-run party. तो शशि थरूर जो कि कांग्रेस नेता है उनकी ओर से ये कहा गया है कि कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का चेहरा ही सामने रखा जाएगा। लेकिन सवाल इस बीच ये है कि इंडिया अलायंस की तमाम वो पार्टियां जिनके नेता अपने आप को अंदर ही अंदर प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, क्या शशि थरूर का ये जो बयान है वो उन्हें हजम होगा? लेकिन इस बीच ये बड़ा बयान शशि थरूर की ओर से कि विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा होगा वो पहले तो कांग्रेस का ही होगा, और अगर कांग्रेस का होगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ही होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ अरुण सिंह हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, ऐसे वक्त में जब सवाल ये पूछा जा रहा था कि इंडिया अलायंस अगर बैठक कर रही है तो प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर क्या कोई स्थिति साफ हो पाई है? शशि थरूर ने तो कांग्रेस को ही आगे बता दिया। देखिए, यही मुश्किल है। शशि थरूर के बयान के बाद न सिर्फ इंडिया गठबंधन में मतभेद उभरेंगे बल्कि कांग्रेस पार्टी भी बैकफुट पर जाएगी, क्योंकि शशि थरूर ने अपनी बातचीत में कहा कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जो पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे उनका नाम सामने आए, या राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस एक फैमिली रन पार्टी है। तो एक तरह से कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, लोग अपनी बात कह सकते हैं, फैसले सामूहिक होते हैं। लेकिन अगर शशि थरूर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं अगर वही ये बात कहेंगे कि पार्टी परिवार चलाता है तो तब निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भी इस पर बैकफुट पर जाना पड़ेगा। और अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल ब्रीफिंग है जिसमें निश्चित रूप से ये सवाल पूछा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहें।